साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी विवेक प्रशांत, CLI लखनऊ। आज फिर आपसे कन्वेंशन लोगों में आने वाले टिपिंग फेल्योर के संदर्भ में मुखातिब हूँ। विगत मैंने दो दिन पहले आपको ICDJ के विषय में बताया था, आज मैं आपको नो टेंशन और ए एंडिंग की व्याख्या करूँगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर उसको पर्सनलाइज करें। धन्यवाद साथियों। ICDJ मैंने बताया था, उसके बाद नेक्स्ट चेकिंग साइन है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, नो टेंशन और ऑपरेशन ए एंडिंग। पहले मैं बात करता हूं नो टेंशन की। नो टेंशन चेकिंग साइन है, BLDJ दबाया, ऑन किया, BLRDJ दबाया, LIDJ की बत्ती बुझी, UA का कांटा नहीं चला, आर्नो आग दिल्ली की आवाज नहीं आई और LSTFBA की बत्ती बुझने से पहले LIDJ की लाल बत्ती जल गई। ये संकेत है, असमान संकेत इसको कहते हैं। अब आपको देखना है कि आगे दो चीज, आगे क्या ओची और ट्रैक, पीछे पैंटो और डोर, अगर सब कुछ सही है और पैंटो ओएची को छू रहा है तब आप इसको नो टेंशन कहेंगे। तो उसका चेकिंग साइन आपको बताया और ये मिलता है Q44 की ब्रांच पर रिले Q30 से, क्योंकि Q30 लो वोल्टेज या नो वोल्टेज की रिले है। लो वोल्टेज होगा तो भी ये एनर्जाइज नहीं होगी और अपना NY Q44 के ऊपर नहीं बैठा लेगी ब्रांच पर, और अगर नो वोल्टेज होगा तो भी नहीं बैठा लेगी। इस वजह से आपको नो टेंशन मिलता है। तो ये तो है आपका चेकिंग साइन नो टेंशन का। अगला आता है ऑपरेशन ए एंडिंग। ए एंडिंग का चेकिंग साइन जस्ट इसके अपोजिट है। क्या है भाई? BLDJ बंद किया, BLRDJ दबाया, LIDJ की बत्ती बुझी, UA का कांटा चला, आर्नो आग दिल्ली की आवाज आई, लेकिन LSTFBA की बत्ती बुझने से पहले LIDJ की लाल बत्ती चल गई। ये चेकिंग साइन है ऑपरेशन ए एंडिंग का, इसको हिंदी में कहते हैं ए का आखिर। और ये कहां से मिलती है? ये टिपिंग मिलती है आपको, या तो आपका आर्नो डिस्टर्ब कर गया है, या रिले QCBAR, जो Q118 के ऊपर रिले QCBAR लगी है, उसका NY पिकअप नहीं किया। अब ये तो किताब की भाषा बता दी, अब जरा गौर करिए यहां से टिपिंग कैसे मिलती है। जब DJ बंद हो जाता है तो DJ बंद होने पे कौन कौन सी रिले एनर्जाइज रहती है? Q118, Q44 और MT DJ। DJ बंद हुआ यानी LIDJ बत्ती पहले बुझ जाती है, यानी कि क्या हुआ, Q44 एनर्जाइज हो गई, और Q44 एनर्जाइज हो गई तो Q118 की ब्रांच से उसने अपना NCI हटा लिया, तो कट करंट हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि DJ हमारा 2.5 से 3 सेकंड में बंद हो जाता है, तो होता क्या है, जैसे Q44 एनर्जाइज होती है तो क्या होता है, उसी के साथ साथ वो आर्नो के साथ 5 अग्रणी अपने आप चलती हैं, जिसमें है MBSL1, MBSL2, MPS और MBSI1, MBSI2। आर्नो चलना शुरू होता है जब DJ बंद होता है, तो C118 क्लोज हुआ और क्या हुआ, आर्नो ने स्पीड पकड़ना शुरू किया। जब आर्नो 155 से 160 वोल्ट या 90% स्पीड पकड़ लेता है तो LSTFBA की बत्ती बुझती है और रिले QCBR एनर्जाइज हो गई, चीज की गारंटी देती है LSTFBA के बत्ती को बुझा के, या आप BLRDJ छोड़ दीजिए। लेकिन क्या हुआ, आर्नो ने पिकअप हुआ, आर्नो ने चलना शुरू किया, Q44 हट चुकी है, 5 सेकंड की टाइम लैग है, DJ 3 से 4 सेकंड में बंद हो जाता है, ये यहां से NCI हट गया। अब QESL1, QESL2, QPH और QCBAR को चलना था, लेकिन आर्नो पूरी रफ्तार पकड़ता, उससे पहले QCBAR डिस्टर्ब कर गई,
और इसका एनओआई Q44 की ब्रांच पर नहीं बैठा, और जैसे ही नहीं बैठा तो क्या हुआ, Q118 की ब्रांच पर QCD आता है, एनओआई नहीं बैठा और Q44 का एनसीआई Q118 की ब्रांच से हट चुका है, तो क्या होगा भाई, ये जो करंट का पाथ था उसमें कट पैदा हो जाएगा, और क्योंकि QCBR का NCI बैठा NOI बैठा नहीं है और Q44 का NCI हट गया है, तो Q118 पांच सेकंड में डी इनर्जाइज हो जाएगी। जब 5 सेकंड में डी इनर्जाइज हो जाएगी तो क्या काम करेगी ये GR, वो Q44 की ब्रांच है, इसने जब इनर्जाइज हुई थी तो अपना NOI बैठा दिया था, ये हटा देगी, और जब ये हटा देगी तो Q44 जो 0.6 सेकंड की टाइम लैग है ये डी एनर्जाइज हो जाएगी, और 5.6 सेकंड में आपका डीजे खुल जाएगा, क्योंकि 5.6 सेकंड में Q44 एमटी डीजे की ब्रांच से, थोड़ा टन दो, एमटी डीजे की ब्रांच से, एमटी डीजे की ब्रांच से अपना एनओआई हटा लेगी और एमटी डीजे डी एनर्जाइज होके डीजे खोल देगी। तो ये है आपने चल के एंडिंग। अब एक 5.6 सेकंड में डीजे खोलेगी वो तो चलिए ठीक है, यानी कि हम जो है क्या करें, हम बीएलआर डीजे दबाए हैं कब तक 5.6 सेकंड में खोल रही है, तो हो सकता हम उससे उतना दबाए रहें, और हमको क्या बताया जाता है, यदि LSTSBA की बत्ती ना बुझे तो आप बीएलआर डीजे 4 सेकंड में छोड़ दें। वो उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी है, QCBR रिले को बाईपास करने का स्विच लगा है HQCBR, जब HQCBR ऑन 0 होगा तो LSTSBA की बत्ती तो बुझेगी नहीं, तो अब क्या होगा, आपने बीएलआर डीजे दबाया, LSTSBA की बत्ती नहीं बुझी, आपने क्या कर रखा है HQCBR ऑन 0, तो क्या होगा C118 की ब्रांच से ये जो आपका QCBR है ये तो बैठा रहेगा, NCI लगा है ना, ये तो बैठा रहेगा, तो क्या होगा आपकी C118 एनर्जाइज रहेगी, क्योंकि आप BLRDJ दबाए हो तो Q45 का NOI बैठा रहेगा, QCBR का NCI खराब होने की वजह से बैठा रहेगा, C118 एनर्जाइज रहेगी, और जब C118 एनर्जाइज रहेगी तो C118 का NCI कहां है, Q118 की ब्रांच से जैसे ही 5 सेकंड हो गए ये C118 का NCI हटा रहता है ना, जब जैसे ही C118 पिकअप करती है तो NCI खुल जाता है, लेकिन चूंकि Q118 पांच सेकंड की टाइम लग है तो उसने उतने ही समय में कट करंट होता है और 2.5 से 3 सेकंड 3.5 सेकंड में वापस फिर करंट की यानी खुराक मिल जाती है Q118 को, तो इसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप दबायो किसको, Q45 को एनर्जाइज किया, C118 एनर्जाइज है, तो ये इंटरलॉक हटा हुआ है, अब ये हटा है हटा है हटा, 5 सेकंड हो गए, 5 सेकंड में ये डी एनर्जाइज, ये डी एनर्जाइज 5.3 सेकंड में इसने डीजे खोल दिया। आप काम क्या कर रहे थे, डीजे बंद करना चाहते थे, और यहाँ तो आप जहां ज्यादा समय ले होगे HQCBR 0 करके आप डबल शूटिंग कर रहे थे, लेकिन आपका डीजे हर बार 5.6 सेकंड में खुलता रहेगा, इस वजह से कहा जाता है कि अब आप जो है ऐसी कंडीशन में जब स्विच HQCBR ऑन 0 हो, हर हालत में अगर एलएसटीएसबी की बत्ती नहीं बुझती है तो आप क्या करें, बीएलआरडीजे को छोड़ दें। ठीक है भाई, बहुत छोटा वीडियो है और बड़ी डबल शूटिंग नहीं थी, और ये डबल शूटिंग भी आपकी Q118 की ब्रांच पे है, आपके लोग आपके कन्वेंशनल लोगों की सारी डबल शूटिंग इसके ऊपर है, मात्र एक डबल शूटिंग Q44 की ब्रांच पर है भाई, ये आरनो की प्रोटेक्शन रिले कहलाती Q118 इसी वजह से, क्योंकि सारी आज गली की जांच ये बिचारी अकेली रिले करती है, इसी वजह से इसको आरनो की प्रोटेक्शन रिले कहते हैं, तो आज गलियों की प्रोटेक्शन रिले कहते हैं। तो ठीक है भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पुनः एक बार आह्वान करूंगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल अलर्ट आइकन दबाकर हमको आप अपने साथ जोड़ें। धन्यवाद साथियों, फिर अगले कन्वेंशनल लोगों की टिपिंग फेल्योर
आती है ऑपरेशन B1 और ऑपरेशन B2। बहुत जल्दी आपके ऑपरेशन B1, B2, उसके बाद ऑपरेशन C, उसके बाद ऑपरेशन D और D2 की व्याख्या करूंगा। धन्यवाद साथियों, यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।